और दूसरे नंबर तो भाई आपसे मैं ये सवाल करूंगा मीडिया से मुझे याद आया आप दूसरे लोगों को इंटरव्यू क्यों नहीं देते तो बताऊंगा आप आप आपको मैं अपनी इकॉनमी जो है ना एक अच्छे लेवल पे लेके जाऊंगा दुनिया के पांचवें नंबर पे आए अभी रिसेंटली उन्होंने कहा है कि अगर मैं दोबारा ने टनि और आता हूँ इलेक्शन जीतता हूँ तो दुनिया की पहली तीन इकॉनमी में आ जाएंगे यानी कि उसमें अमेरिका है चाइना और इंडिया है इसका मतलब जापान भी फारिग और आप यकीन मानिए कि आप दुनिया की तीन कह रहे हैं ना मेरे ख्याल से मुझे लगता है लोग हंस रहे थे मेरी बात पे जब मैंने कहा कि आने वाले चंद सालों में इंडिया जो है ना वाइज दूसरे नंबर नंबर तीसरे नम्बर पे आएगा लोगों ने मेरा मजाक बनाया था आने वाले टाइमों में मैं लिख के दे रहा हूं दूसरे नंबर पर आएगा तीसरे पे नहीं आएगा और ये आपको नजर आएगा चाइना के बाद और सर चाइना के ऊपर जाना है इसने आप चाइना की इकोनॉमी देख रहे हैं उसके पास रिजर्व डॉलर देख रहे हैं उसके पास इंडस्ट्रीज देख रहे हैं सर 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 उसका मजाक बनाते हैं तो मुझे ये बताइए कि उनसे चौधरी साहब से हम ये पूछते हैं फवाद साहब से कि फिर हमें ऐसे बता दीजिए क्योंकि आपको दूर से नजर आ जाता है ना स्टेटमेंट ये तो ये थी चौधरी साहब की मैं क्लियर करता उन्होंने बोला था कि भाई चांद पे जाने की क्या जरूरत है जब यहाँ जमीन पे बैठे ही हम चांद को देख सकते हैं या इस तरह तो चौधरी साहब को चाहिए आप बता दें चंद्रयान कहाँ पे यहाँ से जी मैं भी यही कहना चाह रहा था कि हम क्यों पता करें क्यों टीवी पे देखें क्यों मीडिया पे देखें आपको तो नजर आ जाता है चौधरी साहब आप तो दूर की देख लेते हो तो आप चंद्रयान भी बता दें पूरी दुनिया इंडिया इंडस्ट्री अब देखिए ना टेस्ला उधर 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 आ गया गया मोबाइल बन बन रहा है okay. गाड़ी okay. बन रही है है गाड़ी रही दुनिया के बड़ी-बड़ी चीजें बननी शुरू okay. इंडिया से निकलने लग गया हुआ है। अब आप समझिए ना बात को अब एक और चीज बताना चलूँगा एक चीज तो हम भूल ही है वो है रियल इंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो टाइटल है आबिद अलियान चंद्रयान थ्री दोस्तों ये जो वीडियो है ये अभी नए फॉर्मेट के ऊपर मैंने स्टार्ट किया है तो अगर आपको पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा अगर आपका कोई सुझाव है वो भी हमें बता सकते हैं इसके अलावा सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा आइए वीडियो देखते हैं है आबिद भाई जी वालेकुम सलाम शुएब भाई चंद्रयान की तो बात करेंगे एक आपको नई चीज बताते हैं जिसके बारे में शायद आपने नहीं सुना होगा हम सुंद्रयान के बारे में भी बात करें जैसे चंद्रयान है ऐसे सुंद्रयान भी है समुन्द्रयान मतलब वो उसके बारे में डिटेल देटे, से बताऊंगा लेकिन उससे अच्छा, पहले, हाँ, वो जो समंदर में उनकी चंद्रयान प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था भारत की तरफ से चंद्रमा में पहुंचने के लिए उसी तरीके से जो समुद्र के नीचे बहुत सारे खनिज पदार्थ छुपे हुए हैं उनको ढूंढने के लिए भारत ने एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है समुद्रयान इसमें मत्स्य 6000 हज़ार नाम की एक पंडुब्बी बनाई गई है जैसा कि आपने सुना होगा बीच में टाइटेनिक जो है जहाज़ को लोग कुछ लोग देखने गए थे जो लोग मारे गए थे उसी तरीके की एक पंडुब्बी भारत जो है भेजेगा समुद्र के अंदर 6000 हज़ार मीटर तक अंदर और जो वहाँ का माहौल है वहाँ पर टेम्परेचर क्या है इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलेंगी वो धीरे धीरे करके आती रहेंगी हम लोगों के सामने

टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर थे वजीर थे उस टाइम ना ये तो उस टाइम इन्होंने मजाक बनाया था अब देखिए इंडिया चांद के उस जगह पे जा रहा है कि दुनिया में कोई नहीं जा सका चांद की उस पोजीशन पोजिशन पे। पे जो जो लेकिन पोल इंडिया उस जगह पे जा रहा है तो उसके लिए उन्हें एक अच्छा एप्रिशिएट भी करना चाहिए उनकी तारीफ भी करनी चाहिए अब आप उसका मजाक बनाते हैं तो मुझे ये बताइए कि उनसे चौधरी साहब से हम ये पूछते हैं फवाद साहब से कि फिर हमें ऐसे बता दीजिए क्योंकि आपको दूर से नजर आ जाता है ना तो नाट ये थी फवाद चौधरी साहब की मैं क्लियर करता चलो उन्होंने ये बोला था कि भाई चांद पे जाने की क्या जरूरत है जब यहाँ जमीन पे बैठे ही हम चांद को देख सकते हैं या इस तरह तो चौधरी साहब को चाहिए आप बता दें चंद्रयान कहाँ पे यहाँ से देखते जी मैं भी यही कहना चाह रहा था कि हम क्यों पता करें क्यों टीवी पे देखें क्यों मीडिया पे देखें आपको तो नजर आ जाता है चौधरी साहब आप तो दूर की देख लेते हो तो आप चंद्रयान भी बता दें इस टाइम कहाँ पे पहुंच गया हुआ है लेकिन बात ये है शुएब भाई अगर इंडिया ने चंद्रयान बनाया है तो हम लोगों को भी चाहिए था स्ट्रगल करने के लिए पाकिस्तान को भी चाहिए था कि हम भी कुछ करते लेकिन हम अपनी भूखमारी में गुरबत से बाहर निकले तो हम लोग कुछ कर सके ना क्योंकि हम लोगों को लगा इस तरफ दिया गया होगा कि सिर्फ रोटी पूरी करो अपनी रोटी के अलावा कुछ नहीं कर सकते तो चंद्रयान के लिए हम इंडिया को अप्रिशिएट करेंगे हमारा हम है दुनिया में पाकिस्तान का भी नाम आएगा कि इंडिया का हम जो है सॉरी पाकिस्तान का हम इंडिया चांद तक पहुंच चुका और चांद की ऐसी जगह पे पहुंच चुका हुआ है कि जहां पे पहले कोई नहीं गया एक और चीज बताता हूं। पहुंचने वाला है अभी अभी पहुंचा नहीं इंडिया इंडिया के इंडिया की टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा चुकी है वो चांद के ऊपर पानी ढूंढेंगे भाईजान उस पानी से ऑक्सीजन बनाएंगे जिससे वो सांस ले सकेंगे जिससे वो चांद की और दूर तक जाएंगे उसमें खजाने भी ढूंढ सकते हैं बड़ा कुछ मिल सकता है ऐसा लगता है जो फील होता है कि आप यहाँ शॉप पे बैठते हैं और पाकिस्तान की खबरों से ज्यादा इंडिया की खबरों को सुनते हैं नहीं, मतलब कोई मैं आपको बताता हूँ शुएब भाई ऐसी बात नहीं है मैं पाकिस्तानी हूँ आप आपको इल्ज़ाम नहीं लगाया मुझे फील होता है कि आपको हर अच्छा चीज़... मैं इस चीज़ को भी इल्जाम से लेके चलता हूँ देखिए जब हम पाकिस्तानी ना इतने बद नसीब हैं इतने बद नसीब हैं कि हम लोगों को बात बड़ी देर से समझ आती है इतनी देर से समझ आती है कि जब तक आपकी गाड़ी निकल गई होती है अब आप देखिए रिसेंटली जब मैंने मोदी साहब की बात शुरू की या इंडिया की बात शुरू की पाकिस्तान में कोई ऐसे खुल के बात नहीं करता था तो मैंने आपको मुझे गद्दार कहा गया बुरा भला कहा गया मुझे पता नहीं क्या क्या कुछ नहीं एजेंट तक मुझे कहा गया ठीक है। अब पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग मेरे पास आते हैं इंटरव्यू करने के लिए अब यानी कि उन्हें भी समझ आ रही है मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए कि ये सही कह रहा था अच्छा। इंडिया तरक्की कर रहा है तो अच्छा इंडिया एक चीज ये भी बताए यूट्यूब पे तो आप बड़ी खुल के तारीफ कर देते हैं फिर इंडिया की या उनके प्राइम मिनिस्टर की तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया से आपके पास जर्नलिस्ट आते हैं मैं जानता हूँ कुछ लोगों को बड़े बड़े नाम है वो बड़े तो वो आपके पास आते हैं तो वहाँ पे भी इंडिया की तारीफ करते हैं या वहाँ पे आप इंडिया के खिलाफ बात कर आप बिलीव कीजिए मेरे इंटरव्यू खोल के देख लीजिए मैंने जो भाई सच है 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 मैंने वो बोलना है, अगर अगर तो चला देते हैं में अगर इंडिया 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 चल रहा है, जी, चल रहा रहा जी अच्छा तरक्की ना कर रहा हो और मैं कह दूं कि इंडिया तरक्की कर रहा है तो भाई मुझे जूते पड़ेंगे है। हर बंदा मुझे जूते मारेगा जब वो तरक्की कर रहा है और मैं नहीं कह रहा हमारे बड़े बड़े मिनिस्टर कह रहे हैं इंडिया की तारीफ कर रहे हैं कि वो तरक्की कर रहे हैं और इमरान खान साहब जो है उन्होंने भी की तरीफ अब देखिए रिसेंटली शबाज शरीफ साहब इंडिया के साथ हाथ मिलाने की बात कर रहे हैं दोस्ती की बात कर रहे हैं इंडिया के साथ अल्लाह करे कि वो हमारे साथ दोस्ती कर लें उसकी वजह से हमें भी फायदा मिलेगा और हमारी जो है ना ये गुर्बत में कुछ आसानी आसानियाँ तो भाई ये सुबह उठते हैं और उठते ही इनके दिमाग के अंदर आता है कि किस तरीके से हम शाम को खाने की व्यवस्था करेंगे अब जो आदमी पूरे दिन का खाना अरेंजमेंट करने के लिए पूरे दिमाग जो है लगाता हो तो वो लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कैसे बात कर सकते हैं कहते हैं ना कि जब पेट भरा होता है तभी जो है सबको नजर आता है तो जब इनका पेट भरेगा तभी तो इनको सारी चीज़ें नज़र आएंगी जब तक पेट नहीं भरेगा तब तक, तक कहाँ ये लोग जो है बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की और दुनिया भर की चीज़ों की देखिए तो इनका लॉजिक अलग है ये लोग दूसरी दुनिया के अंदर जीते हैं तो इनके ऊपर बात करना जो है लगभग लगभग बेकार ही होता है और उनको कोई समझा भी नहीं सकता है इनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि चंद्रमा के ऊपर क्या मिलता है इनको ये पता है कि अगर वहाँ पर कुछ मिल गया तो हम अपना कटोरा लेके पहुँच जाएंगे और कोई ना कोई देश हमारे में थोड़ा बहुत उस कटोरे में डाल ही देगा तो ये लोग दिमाग नहीं लगाते ये लोग भीख मांग अपना काम चलाते हैं तो इनके लेवल तक जाकर सोचना जो है किसी के बस की बात नहीं है ये सिर्फ पाकिस्तानी ही इस तरीके की बयानबाजी कर सकते हैं सोच रख सकते हैं जो पढ़े लिखे कुछ लोग हैं जैसे आबिद अली हैं बहुत टाइम से भारत के टच के ऊपर बात कर रहे हैं भारत के मुद्दों के ऊपर बात कर रहे हैं तो इनकी सोच भी कही न कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो गई फवार चौधरी कह रहे हैं कि भारत जो है वो चंद्रयान थ्री जो भेजा है उसने इससे पैसा बर्बाद कर रहा है हम चांद को यहीं दे सकते हैं तो आबिद अली ने बिल्कुल सही बात की है भैया इतना ही अगर आप देख सकते हो तो बता दो वहाँ पर क्या क्या पाया जाता है पानी है कि नहीं है इसके अलावा जो चीज़ें वहाँ पर लोग खोजने की कोशिश कर रहे हैं तो तुम सबके पास चले जाओ सब ये हम देख के हैं बता दे रहे हैं अरे यार इतना इन लॉजिकल आदमी कैसे कोई बात कर सकता है दुनिया के जितने भी देश हैं वो चांद पर मंगल पर पहुँच कर ये देखना चाहते हैं कि वहाँ पर हम जीवन की खोज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं क्योंकि फ्यूचर के अंदर हो सकता है कि पृथ्वी ख़त्म हो जाए तो ये बातें जो है पाकिस्तानियों की परे हैं और इनको ये भी पता नहीं है कि चांद के ऊपर क्या मिल सकता है हीलियम थ्री एक जो है पदार्थ होता है वो अगर वहाँ पर मिल जाएगा और उससे पूरी दुनिया की कई सौ साल तक बिजली जो है बनाई जा सकती है आपने बोला इमरान खान साहब तारीफ करते हैं वो तो इस टाइम अंदर भी हो गए हैं फिर आप अपना भी जरा बंदोबस्त कर लें और दूसरे नंबर पे आपने बोला शिबाज शरीफ जो कि इस टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं वो चाह रहे हैं इंडिया से रिलेशन बेहतर हो मुझे ये बताएं आपको ये चीज समझ नहीं आती कि तीन चार दिन उनकी गवर्नमेंट को रह गए और आज वो चाह रहे हैं रिलेशन बेहतर हो डेढ़ साल से गवर्नमेंट में थे तब तो उन्होंने इस तरीके से कोई स्टेप नहीं लिया देखिए जब गवर्नमेंट चेंज हो रही होती है ना जब इलेक्शन का टाइम आता है तो कुछ ऐसे काम किए जाते हैं जिसकी वजह से नेक्स्ट आपको वोट मिल जाए और अभी देखें इमरान खान साहब अंदर चले गए पीछे वही ही पी रह गया

अब हमारा चौबीस पच्चीस हजार रुपए बिल आ रहा है घर का है। और आप यकीन कीजिए कि एसी हम लोग ऐसे चलाते हैं आप बिलीव कीजिए तर, जैसे एसी चलाया जाता तरस के एसी चलाते हैं हम लोग के हमारे यूनिट ऊपर जाएंगे जारी बात है बिल इतना ज्यादा आएगा अब आप देखिए तीन सौ समथिंग कुछ यूनिट है फोर्टी यूनिट है हाँ हा। और चौबीस चौबीस हजार रुपए बिल आ रहा है यार बताओ कि और इंडिया में तीन सौ यूनिट के ऊपर ऐसे हैं कि जैसे फ्री के लेवल पे हैं इतनी रिलीफ देते हैं वो अपने लोग कुछ एरियाज में ऐसा मैंने सुना है अगर पूरे ओवरऑल इंडिया में ये चीज़ है कि 300 यूनिट फ्री है तो आप बता सकते हैं लेकिन मुझे जो खबर है कि कुछ एरियाज़ में 300 यूनिट तक फ्री जी सोयेब भाई ये बात बिल्कुल सही है पंजाब हो गया इसके अलावा दिल्ली हो गया इसके अलावा और कुछ स्टेट हैं जहाँ के ऊपर दो यूनिट या तीन यूनिट बिजली फ्री दी जाती है जो वहाँ के लोग होते हैं उस स्टेट के लोग होते हैं लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि किसानों के लिए जो बिजली होती है काफ़ी सस्ती होती है जैसे कि पंजाब में आप देख लीजिए जो 200 यूनिट के बाद में जो वहाँ पर या 300 यूनिट के बाद में वहाँ पर जो चार्जेस हैं वो दो या तीन रुपए के आसपास में इसी तरह तरीके से पूरे भारत के अंदर अगर आप देखेंगे तो जो किसानों के लिए बिजली दी जाती है वो दो से तीन रुपए के आसपास में पर यूनिट दी जाती है हम लोगों को भी जो बिजली मिलती है आठ रुपए पर यूनिट की मिलती है तो ओवरऑल ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और जो गरीब लोग हैं जो बी में आते हैं उनकी जो बिजली होती है उसके भी जो प्राइस होते हैं तीन से चार रुपये के आसपास में होते हैं ग्रामीण इलाकों के अंदर तो ओवरऑल सही है कोई ऐसी बात नहीं कि बहुत ज़्यादा महंगी बिजली हम लोगों को मिल रही है कुछ स्टेट्स में ऐसा फ्री है। भाई रिसेंटली मोदी साहब का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था क्योंकि मोदी साहब की बात करना ना मेरे लिए जरा जरूरी होता है कि मैं उन्हें लाइक करता हूँ अपने अच्छा लोगों के अच्छा, ये, ये आप बात पूरी कर लें फिर इनसे आज बड़े सवाल भी करेंगे ऑडियंस के जो सवाल है या ऑडियंस का इनके साथ जो इंटरेक्शन रहता है उसके ऊपर बात करेंगे जी आप मोदी साहब की पहले बात करें मोदी साहब जो है ना रिसेंटली उनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था उसके बीच में भाई ये जो पाकिस्तान से जंग की बातें हो रही है कि जंग हो जाएगी ये हो जाएगा वो हो जाएगा उन्होंने कहा यार हमें पाकिस्तान से जंग करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि पाकिस्तान जिस पोजीशन में इस टाइम आ चुका हुआ है ये अपनी मौत खुद ही मर जाएगा हमें ये कहना नहीं चाहिए अल्ला लेकिन अल्लाह ना करे ऐसा नहीं होगा इन नहीं होगा लेकिन मोदी साहब का इंटरव्यू कॉन्फिडेंस लेवल इसलिए होता है कि जब आप तरक्की कर रहे हैं अपने मुल्क को ऊपर लेके गए पूरी दुनिया आपकी तारीफ कर रहा है मोदी जी की इतने बड़े इतने बड़े वेलकम हो रहे हैं इतने बड़े प्रोटोकॉल मिल रहे हैं तो ये कॉन्फिडेंस लेवल है कि उन्हें नज़र आ रहा है कि इनके हालात इनकी चोरी चिकारियाँ इस लेवल पर जा चुकी हुई हैं कि इनके साथ जंग करके अपना असला ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है दो दिन पहले जो वहाँ के एक स्टेट के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी उनका नाम है उनका प्रॉपर एक बड़े मेन से मीडिया पे इंटरव्यू आया और उन उनसे ये कहा गया कि एंकर ने यह पूछा कि आपस में अपोजिशन और आप लोग इंडिया और पाकिस्तान की तरह लड़ रहे हो उन्होंने आगे से जो स्टेटमेंट दी मुझे एक दफा सुन के बड़ा दुख हुआ मतलब अपने आप अप, अपने ऊपर दुख हुआ पाकिस्तान के उन्होंने बोला हमारे जो मुखालस भी हैं ना अगर वो इंडियन हैं यानी अपोजिशन है तो उन्हें पाकिस्तान के साथ कंपेयर ना करें पाकिस्तान के साथ कंपेयर करना बनता ही नहीं है हमारे सर कंपैरिजन है ही नहीं किसी भी जगह से नहीं लेकिन फिर मोदी जी की एक और बात बताता हूँ हमेशा ये बात करता हूँ कि इंडिया की खुश नसीबी है कि उनके वजी अजम प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं और दस साल का टनोर तकरीबन उनका पूरा होने वाला है आप यकीन कीजिए कि उन्होंने जब ये लास्ट इलेक्शन हुए थे ना तो उन्होंने कहा था कि अगर मैं दोबारा गवर्नमेंट में आऊँगा उन्होंने तो, स्टेटमेंट दिया तो मैं पहले पिछली बताऊंगा आपको कि मैं अपनी इकोनमी जो है ना एक अच्छे लेवल पे लेके जाऊँगा दुनिया के पाँचवें नंबर पर आए अभी रिसेंटली उन्होंने कहा है कि अगर मैं दोबारा नएर में आता हूँ इलेक्शन जीतता हूँ तो दुनिया की पहली तीन इकानमी में आ जाएंगे यानी कि उसमें अमेरिका है चाइना है और इंडिया है इसका मतलब जापान भी फारिग और आप यकीन मानिए कि आप दुनिया की तीन कह रहे हैं ना मेरे ख्याल से मुझे लगता है लोग हंस रहे थे मेरी बात पे जब मैंने कहा कि आने वाले चंद सालों में इंडिया जो है ना इकॉनमी वाइज़ दूसरे नंबर तीसरे नंबर पे आएगा लोगों ने मेरा मजाक बनाया था आने वाले टाइमों में मैं लिख के दे रहा हूँ दूसरे नंबर पे आएगा तीसरे पे नहीं आएगा और ये आपको नजर आएगा चाइना के बाद और सर चाइना के ऊपर जाना है इसने आप चाइना की इकोनॉमी देख, देख रहे हैं उसके बाद रिजर्व डॉलर देख रहे हैं तो उसके बाद इंडस्ट्रीज देख रहे हैं सर 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 जी जी जी। आप ये नहीं देख रहे कि इंडिया में कौन कौन आ गया है और इंडिया में कौन कौन आना चाह रहा है आने वाले टाइमों में पूरे यूरोप ने जो चीजें बनवानी है जो कुछ होना है वो इंडिया से होना है पूरी दुनिया इंडिया में इंडस्ट्री लगाएगी अब देखिए ना टेस्ला उधर आ गया मोबाइल उधर बन रहा है गाड़ी उधर बन रही है दुनिया के बड़ी बड़ी चीजें उधर बननी शुरू हो गई हैं लेथिम इंडिया से निकलने लग गया हुआ है अब आप समझिए ना बात को अब अफगानिस्तान देखिए हाँ हा। कि जिस अफगानिस्तान को हम लोगों ने लोग कहते हैं या अफगानिस्तान कहता है कि हमने उसे धोखा दिया कि हमने अपने अड्डे दिए अमेरिका को आप ये देखें कि सही मुसलमान थे तो अल्लाह ने उनकी मदद की आप कहते हैं ना पाकिस्तान ला लाइला पे बना अल्लाह मदद करेगा अल्लाह मदद जब करेगा जब आप सही इंसान बनोगे तो अच्छी हो सर अफगानिस्तान सही लोग थे वो सही मुसलमान थे वो एक नंबर लोग थे आज अल्लाह पाक ने उनकी जमीन को सोना बना दिया उनके पहाड़ों को सोना बना दिया उनके रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर सर वही बताऊंगा अब देखिए अफगानिस्तान के पहाड़ों से सर पेट्रोल शुरू हो गया है गैस शुरू हो गई है लिथियम शुरू हो गया जिससे टेक्नोलॉजी बनेगी गाड़ियाँ बनेंगी जो पेट्रोल के बगैर चलेंगी अब इंडिया ने क्या किया देखे मास्टर मोदी को मैं क्यों कहता हूँ मोदी जी क्लास हैं उन्होंने अफगानिस्तान के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाया अफगानी उन्हें लाइक करते हैं हमें नहीं लाइक करते हुआ आप याद रखिएगा पाकिस्तानियों को अफगानी बिल्कुल लाइक नहीं करते इंडियंस को लाइक करते तो, हैं वो तो अंदाजा आप जो लोग इस बात से भी करेंगे नहीं जी अफगानी तो हमें लाइक करते हैं तो वो क्रिकेट मैच जो हो चुके हैं स्टेडियम में जिस तरीके से पाकिस्तानियों की और अफगानियों की लड़ाई होती है वो देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं शायद आपने वो वीडियो ना देखी हो तो मैं आपको पहले वीडियो दिखाता हूँ वीडियो देखने के बाद में आपको समझ में आ गया होगा कि जितना भारत के लोग और पाकिस्तान के लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तानियों से नफरत करते हैं जब उनके घरों के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से बम गिराए जाते थे उनको मारा जाता था तो फिर कोई भी वहाँ का होगा वो नफरत ही करेगा आज भी पाकिस्तानियों से बहुत ही ज़्यादा अफगानिस्तान के लोग नफरत करते हैं तालिबान के लोग नफरत करते हैं तालिबान के लोग गालियाँ देते हैं इनके सैनिकों को और इनके ऊपर अटैक करके उनको मार भी देते हैं तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो पाकिस्तान है उसकी कोई इज्जत नहीं करता है तालिबान को ये समझते थे कि हमारा है लेकिन तालिबान ने इनकी औकात इनको याद दिला दी है हर रोज़ जो है तालिबान इनको डांटता है कि अगर तुमने ये कर दिया तो हम तुम्हारे देश को ख़त्म कर देंगे अगर तुमने ये कर दिया तो फिर हम तुम्हारे देश के ऊपर आतंकवादी जो है अटैक कराएंगे डेली का ये हो चुका है और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उनकी जो आर्मी है वो सिर्फ भोंकते रहते हैं तालिबान की तरफ और उनको धमकियाँ देते रहते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे लेकिन तालिबान सरकार को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ पर दूसरी जो बात की गई है कि मोदी जी ने कहा कि पाकिस्तान को ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है वो खुद ही ख़त्म हो जाएगा तो भैया पचहत्तर साल से आपके हालात यही बने हुए हैं तो आपको ख़त्म करने की तो सही में कुछ ज़रूरत नहीं है भाई कोई क्यों जो है उस कीचड़ में जो है पत्थर फेंकना चाहेगा जिससे छिट्टियाँ जो है वो खुद के ऊपर आए आप जैसे हो वैसे रहोगे और आपके जो नेता हैं आपके जो आर्मी पर्सन हैं वो खुद ही आपके देश को डुबाएंगे आज तक डुबाते रहे हैं और ये चीज़ें लगातार आगे चलती रहेंगी इसको पाकिस्तान की जनता नहीं रोक सकती है आर्मी जो है वो पाकिस्तान की और जो वहाँ की गवर्नमेंट है इस देश को इसी तरीके से भीख मांग मांग कर चलाएगी और आप लोग भी भिखारी कहीं ना कहीं कहलाओगे क्योंकि आप उस देश के अंदर रहते हो भाई मानो ये पाकिस्तान के जो आर्मी पर्सन है वहाँ के जो लोग हैं इनको किसी तरीके से फ़ायदा ही नहीं है कि जो है ये भारत से दोस्ती करें और भारत से जो है ये चीज़ें लें या फिर भारत के साथ अपने संबंध अच्छे करें क्योंकि इनको आतंकवाद वहाँ पर बंद करना पड़ेगा और आतंकवाद से ही पाकिस्तान के जो आर्मी है और वहाँ की जो गवर्नमेंट है उनकी रोज़ी रोटी चलती है उसी के नाम के ऊपर इनको दुनिया भर से भीख मिलती है तो ये बिल्कुल होने वाला नहीं है ये उम्मीद बिल्कुल यहाँ पर छोड़ दी जाए तालिबान लगातार पाकिस्तानियों को धमकाता रहेगा और उनकी कभी भी नहीं बनेगी ये भी हंड्रेड परसेंट बात सही है इसमें पाकिस्तानी चाहे जितनी कोशिश कर लें भारत से संबंध अफगानिस्तान के बहुत समय से अच्छे रहे हैं तो इसको कोई बदल नहीं सकता है ये भी बात बिल्कुल सही है बड़ी तादाद में जो ऑडियंस है वो इंडिया से हमें ज्यादातर देखती है लेकिन पाकिस्तान से जितने भी लोग देखते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट करें देखें हमें यह भी दुख होता है कि हम इंडिया की तारीफ क्यों करते हैं पाकिस्तान को क्रिटिसाइज भी करते हैं और साथ ये भी हमें समझ नहीं आती भाई हम पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे हैं जिन लोगों को यह लगता है कि हम पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करते हैं वो वो अपने गिरेबान में भी झांके कि पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे हैं वो भी चाइना की प्रोडक्ट सेल सेल कर कर रहे रहे हैं हैं वो भी बाहर से चीज़ें करके कर और दर्द पाकिस्तान के लिए अच्छा, शुए भाई मैं एक और बात करना चाहूंगा लोगों को शायद बड़ी बुरी लगे ये बात जो औरतों के लिए कहा जा रहा है ना पूरी दुनिया में कि पाकिस्तान में औरतें महफूज नहीं है पाकिस्तान में औरतें जॉब नहीं करती हैं ये बिल्कुल गलत बात है क्योंकि औरतें इधर यूनिवर्सिटीज में भी जाती हैं कॉलेजेस में भी जाती हैं ऑफिस में जॉब भी करती हैं पी आई ए मतलब हर फील्ड में मीडिया में हर जगह पर औरत नजर आएगी लेकिन उनके बीच में चंद भेड़िए भी होते हैं गलत लोग भी होते हैं जिनकी वजह से सब बदनाम हो जाते हैं सब नहीं तो एस... उसमें उसकी वजह से पाकिस्तान बदनाम होता है अब ये ये देखें जो हमारा यूनिवर्सिटी का इशू बना किसका किस इमेज खराब हुआ ना तो किसी मर्द का ना ही औरत का इमेज खराब हुआ, हुआ।, हुआ पाकिस्तान और देखिए वो कैसे शैतान थे कि यूनिवर्सिटी में बचिया हमारी बची पढ़ने के लिए आती हैं आप उन्हें ब्लैक करते हो उनकी वीडियो बनाते हो ये जुलम की इम्तहान है फिर उन्हें पेश करते हो ब्लैक करके अफसरों के आगे पेश करते हो अगर ऐसा काम करेंगे टीचर ऐसा काम करेंगे जिन्हें बाप का दर्जा दिया काज

वो हम आपको बता देते हैं पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है वहाँ पर एक जो है बहावलपुर करके एक जगह है वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है इस्लामिया यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जाती है वहाँ के जो टीचर थे प्रोफेसर थे इसके अलावा जो वहाँ का स्टाफ था उसने पचपन सौ लड़कियों के एसएमएस एम बना कर रखे हुए थे और इसका खुलासा होता है उसके बाद में पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है कोहराम मच जाता है मीडिया वाले भी इस चीज़ को कवर करते हैं और पूरी दुनिया के अंदर ये खबर जो है बहुत ही ज़्यादा कवर की जाती है उसी के बारे में बात की जा रही थी कि जब टीचर जो पढ़ाने वाले होंगे वही लड़कियों का एम बनाएंगे उनका शोषण करेंगे उनको अपने बड़े बड़े अधिकारियों के सामने ले जाएंगे तो फिर कैसे जो है वहाँ की जो लड़कियाँ हैं वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ने के लिए जाएंगी अच्छा ये खबर देखने के बाद में बहुत सारी पाकिस्तान की जो लड़कियां हैं उन्होंने अपनी पढ़ाई बंद कर दी क्योंकि उनके पेरेंट्स हैं उनको यकीन ही नहीं है कि हम जो यूनिवर्सिटी उनको भेज रहे हैं वहाँ पर पढ़ाई हो रही है या फिर उनका शोषण हो रहा है पाकिस्तान के अंदर जो लड़कियां हैं काम करती हैं जो इसमें आबिद अली बता रहे थे वो बात सही है लेकिन बहुत ही कम परसेंटेज में जो पाकिस्तान की बड़ी सिटी हैं वहाँ पर औरतें काम करती हैं आपको मीडिया में भी मिल जाएंगी इसके अलावा जो अलग फील्ड है उसमें भी मिल जाएंगी लेकिन जो रूरल एरिया है ग्रामीण एरिया है वहाँ पर आपको ज़्यादा जो औरतें हैं या लड़कियाँ हैं वो काम करते नहीं मिलेंगी और इस चीज़ को लेकर पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा उंगली भी उठाई होगी इस चीज़ को लेकर पाकिस्तान के ऊपर बहुत बार उंगली भी उठाई जाती है जैसे मलाला यूसुफ़ का आपने नाम सुना होगा पाकिस्तानी लड़की थी पढ़ना चाहती थी स्कूल जाना चाहती थी उसको आतंकवादियों ने गोली मार दी थी उसके बाद में वो लड़की पूरी दुनिया के अंदर मशहूर हो गई थी और उसको बाद में नोबल प्राइज़ पुरस्कार उसको बाद में नोबल पुरस्कार भी दिया गया था शांति के लिए तो पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल जो सिचुएसन है लड़कियों की वो बहुत अच्छी नहीं है लेकिन कुछ जो सिटी वाले इलाके हैं वहाँ पर जो है वो आराम से रह सकती हैं काम कर सकती हैं लेकिन जैसा कि इन्होंने कहा है कि वहां पर कुछ भेड़िए आपको 100 परसेंट नजर आ जाते हैं जिनकी वजह से वो जो काम करना चाहती हैं वो काम नहीं कर पाती हैं और दूसरे नंबर पे भाई आपसे मैं ये सवाल करूंगा मीडिया से मुझे याद आया आप दूसरे लोगों को इंटरव्यू क्यों नहीं देते चले मुझे तो आपने ये बात बताई लेकिन मैं आपसे ये सवाल पूछ लेता हूँ शेब भाई आज आपने पूछा है क्योंकि आप हर बार कोई ऐसा पंगा बीच में डाल देते हो लेकिन इसके लिए मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने ये बात मेरी पूरी चलानी क्योंकि आप जहाँ पे कट करते हो ना वहां मेरा दिमाग भी खराब होता है तो प्लीज है। आपने कट नहीं करना क्यों डरते हो बात पूरी चलाओ जब मैं ये आप दूसरे को इंटरव्यू क्यों नहीं देते शुएब भाई मैं खुल के बात करूंगा कुछ बातें आपको भी पता है जो आप भी नहीं करोगे खैर मेरे पास तकरीबन जितने भी यूट्यूब आप टीवी पे या अपने इंटरनेट पे आप मोबाइल पे कहीं भी देखते हो ना यूट्यूब पर वो सब YouTube पर मेरे पास आते हैं अभी रिसेंटली कुछ देर पहले भी मेरे पास YouTube पर आए हुए थे आपके आने से पहले ठीक है वो फोन पे भी मैंने आपको बताया था खैर आप देखते हैं सिर्फ मीडिया के ऊपर वीडियो के अंदर जितनी रिकॉर्ड होगी आप वो देखते हैं बैक कैमरा आपको नहीं पता कि बैक कैमरा क्या बात हो रही होती है क्या एक दूसरे के दुश्मन होते हैं और क्या गंद फैल रहा होता है उन चीजों को आपको अंदाजा भी नहीं है आप सिर्फ आधे घंटे की वीडियो देखते हैं जो आपको समझ एक सेकंड ऑडियंस ने तो ट्रस्ट करना है जो सर उन... मैं वही बात कर रहा हूँ आप सुनिएगा आपने मुझसे पूछा कि आप इंटरव्यू किसी और को क्यों नहीं देते जो गंद मचा हुआ है ना झूठ की इंतहा जो हुई हुई है वो मैं नहीं कर सकता और मेरी जो ऑडियंस है जो मुझे देख रही है आप यकीन मानिए श्वेब भाई वो मुझ पर यकीन करते हैं बिलीव करते हैं ट्रस्ट करते हैं और मैं वो इंसान नहीं हूँ कि मैं एक मिनट में किसी का ट्रस्ट तोड़ दूँ किसी का यकीन तोड़ दूँ और झूठ और फेक कर दूँ तो मैं झूठों के साथ काम नहीं कर सकता मैं फेक लोगों के साथ काम नहीं कर सकता नहीं। और ये वही इंसान कर सकता है जो बिका हो जब एक बंदा बिका ही नहीं हो उसे टेंशन ही कोई नहीं है तो उसने मैंने सारे यूट्यूबर्स में से ना एक साफ़ सुथरा यूट्यूबर चुना और उसी के साथ चल रहा हूँ अल्लाह ने उसे इज़्ज़त भी दी क्यों पूछे क्यों क्योंकि वो काम कर रहे हैं अब वो मंदिर में गया उसने जाके सारा काम किया ये श्वेब का काम तो नहीं था वो तो मेन स्ट्रीम मीडिया का काम था ना उस जगह पे जाते उस बात को हाईलाइट करते अभी मेन स्ट्रीम मीडिया से बात करूंगा हमारी किसी मस्जिद को ऐसा मामला हुआ होता कई मस्जिद शहीद हो रही होती तो पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया ऐसे उठ जाना था पूरी दुनिया में तिजाज होते बातें होती कि ये हो गया वो हो गया ऐसे हो गया उस मंदिर के ऊपर क्यों नहीं बोला यही था सिर्फ बोलने के लिए तो फिर ऐसे इंसान को मैं लाइक क्यों ना करूँ इसके अलावा मैं कैसे किसी और इंटरव्यू दे तो ये सारी बात है। लेकिन मैं ये भी ये भी चीज क्लियर कर कि पहले नंबर पर तो मैं अकेला नहीं था जो मंदिर के लिए गया मेरे तमाम देखने वाले मेरे साथ थे कुछ लोग मुझे मतलब जब एप्रीशिएट करते हैं मेरा ये फर्ज है मेरी ये ड्यूटी है कि मैं बात क्लियर करूं मैं अकेला नहीं मेरे साथ ये जो टीम मेंबर तो इनका भी उतना ही रोल है जितना मेरा रोल और दूसरे नंबर पर वो लोग जो मुझे देखते हैं जो मुझे अप्रिशिएट करते हैं जो मुझे हौसला देते हैं कराची के अंदर जब मंदिर गिराया गया था तो शोब चौधरी वहां पर गए थे वहां पर रुके थे उन्होंने वहां पर उन लोगों को सपोर्ट किया और वहां पर कवर भी काफी अच्छे से किया जिससे पूरी दुनिया ने देखा कि वहां पर जो मंदिर है उसके क्या हालात है वहां के लोग जो स्ट्राइक कर रहे थे हड़ताल कर रहे थे उनको उन्होंने दिखाया तो काफी अच्छा काम था अच्छा अब आबिद अली दूसरे को इंटरव्यू क्यों नहीं देते हैं इसके ऊपर जो ये यहाँ पर फैक्ट बताया गया इससे मैं सहमत नहीं हूँ उसका रीज़न यह है कि आबिद अली पहले जब इंटरव्यू देते थे तो बहुत सारे यूट्यूबर्स को देते थे जो पाकिस्तानी कंटेंट के ऊपर काम करते थे लेकिन एक वीडियो उनका वायरल होता है भारत के अंदर उसके बाद से वो सारे जो है चैनल को इंटरव्यू देना बंद कर देते हैं और सिर्फ शोएब चौधरी को इंटरव्यू देते हैं तो ये थोड़ा सा मुझे सही नहीं लगा जहाँ तक ये बता रहे हैं कि एक जो है हमने यूट्यूबर को चूज़ कर लिया है और उसी को हम इंटरव्यू देंगे तो ये भी बात सही है लेकिन मेरे नज़रिए से अगर आपको भारत के प्रति अच्छा ही बोलना है तो कोई दूसरा जहाँ तक आबिद अली ने कहा कि हमने सिर्फ शोएब चौधरी को चूज़ किया है इंटरव्यू देने के लिए ये भी बात कहीं ना कहीं सही है लेकिन जब आपको भारत के बारे में अच्छा बोलना है अपने पॉइंट ऑफ व्यू सही से रखने तो दूसरा वाला क्या प्रभोगा कर लेगा भाई बोलना आपको है बातें आपको रखनी है हाँ ये अलग की बात है कि वो एडिटिंग करके जो बातें हैं उनको तोड़ मोड़ कर पेश कर सकता है शायद वो डर हो अली के अंदर इसी वजह से दूसरों को इंटरव्यू नहीं देते हैं ये खैर उनका जो भी डिसीजन है उनका डिसीज़न है हम इसमें कुछ नहीं कह सकते हैं कि कहाँ पर इंटरव्यू देते हैं कहाँ पर नहीं देते हैं वो उनकी जो पूरी राय है वो उनकी है वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा जिससे हमारी आपकी मुलाकात जल्दी जल्दी होती रहे मिलते हैं नए वीडियो के साथ नमस्कार धन्यवाद जय हिंद जय भारत